आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की तरजीही खिदमत में एक अहम और बड़ी खिदमत तालीमी मामलात में मावन फराहम करना है। इस हवाले से तुलबा को दो तरह से मावन फराहम की जाती है, या तो उन बच्चों को जो डिस्टिंक्शन होल्डर होते हैं उन्हें स्कॉलरशिप ग्रांट्स दी जाती हैं, या हर नए तालीमी साल के मौके पर बच्चों को स्कूल कोर्स की किताबें फराहम की जाती हैं। एक बड़ा बोझ होता है बच्चों के लिए, किताबों से ज़्यादा कीमती कोई शय नहीं होती और वालदैन के लिए एक बड़ा बोझ होता है। ऐसे मौके पर आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल अपनी खिदमात के साथ हाजिर होता है और बच्चों को हर नए तालीमी साल के हर एकेडमिक सेशन के आगाज़ के मौके पर किताबें और दीगर ज़रूरी चीज़ें फराहम करता है। स्कूल कोर्स के हवाले से ये खिदमत आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की बहुत बड़ी खिदमत है। कहने को बज़ाहिर बहुत छोटा सा काम है नज़र आता है, लेकिन अगर हम इसकी स्टेटिस्टिक्स या शुमारियात में जाएँ तो हमें पता लगता है कि पिछले साल आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने सिर्फ इस मद में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये से स्कूल कोर्स किताबें फराहम की थी और तकरीबन 14,700 तालिब इल्मों का काम किया था। इस साल इस स्टेटिस्टिक्स में भी और खिदमात की फराहमी में भी इजाफा प्रोजेक्टेड है और इस दफ़ा जो बजट मुकर्रर किया गया है इस काम के लिए वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है और उम्मीद ये है कि इससे हम तकरीबन 20,000 से ज़ायद तालिब इल्मों का काम करेंगे। मुझे याद नहीं ठीक से कि नज़ीरी का शेर है या उर्फी का है कि अस तखय्युल जन्नत पैदा कुनत, यानी आप अपने तखय्युल से ही जन्नत पैदा कर लेते हैं। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की ये खिदमात की जिसमें ये सोचा गया कि इन गरीब वालदैन की इन मुश्किलात को दूर करने के लिए उनको ये सर्विस फराहम की जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि जन्नत खुद ब खुद पैदा हो जाती है जब आप इस तरीके के लोगों का काम करते हैं और वो लोग जो दुखी अनफास के साथ दुखी अजसाम के साथ यहाँ पर आते हैं और जब उनका काम बहुत सहल तरीके से हो जाता है तो उनके दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो यकीनन हमारे लिए भी तोशा आखरत है और उन दोनों हजरात के लिए भी जिनकी भरपूर इमदाद से हम अपने टारगेट अचीव करने में कामयाब हो पा रहे हैं। रोज़ाना तकरीबन 700 से 800 तालिबे यहाँ पर आते हैं, उनके वालदेन के ज़रिए से उनका काम एक भरपूर तरीक़ेकार के मुताबिक किया जाता है। कंप्यूटराइज सिस्टम मौजूद है। तरीक़ेकार यह है कि वालदेन सुबह 12 बजे उनका कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन काउंटर्स एक्टिव कर दिए जाते हैं, सुबह 10 बजे उनको टोकन के ज़रिए से अंदर कर लिया जाता है। रोज़ाना तकरीबन 300 से 350 लोगों को, जिनमें से हर वालदैन के 4 से एवरेज औसत बुनियादों पे 5 बच्चे होते हैं। वालदैन अपने बच्चों के तमाम कवायफ लेकर आते हैं, उनके स्कूल के रिजल्ट कार्ड्स होते हैं, उनका बे फॉर्म होता है जिससे ये इस बात का सबूत मिलता है कि यही बच्चे के असल सरपरस्त हैं, उनके बिजली गैस का बिल होता है, स्कूल कोर्स की फहरिस्त होती है, तमाम डॉक्यूमेंट्स सॉर्टर्स बैठे हुए होते हैं हमारे पास, तकरीबन 10 से 12 सॉर्टर्स हमें वक्त मौजूद होते हैं जो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को एक प्रॉपर अंदाज़ में सॉर्ट करने के बाद उनकी फाइलें तरतीब दे देते हैं। ये फाइलें लेके वालदैन कंप्यूटराइज एंट्री काउंटर्स पर जाते हैं जहाँ उनका कंप्यूटराइज तौर पर उनका डाटा एंटर कर लिया जाता है और उनको एक खास कूपन दे दिया जाता है और उस कूपन के ऊपर एक डेट होती है, उस डेट के ऊपर उनसे ये कहा जाता है कि वो अपने बच्चों की किताबें असल बिल के साथ लेकर आएँ। मिसाल के तौर पे आज जो वालदैन आए हैं उनको 2 दिन बाद का टोकन दिया जाएगा, वो टोकन लेके दूसरे दिन 2:30 बजे यहाँ पर आएंगे, अपनी स्कूल की किताबें देखेंगे, हम उनकी किताबों की तशखीस करते हैं, उनकी स्क्रूटनी करते हैं और स्क्रूटनी करने के बाद उस पर स्टैम्प करते हैं और स्टैम्प करने के बाद जो भी उसका अमाउंट होता है उसकी पेमेंट रिमबर्स कर दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इतनी बड़ी इन्वेंट्री मेनटेन करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ओवर द ईयर्स ये तजुर्बा किया गया कि वालदैन कराची में क़ुरब जवार से आते, मतलब दूर दूर दराज इलाकों से आते हैं, हर इलाके में अलग किताबें दी जाती हैं, कभी स्कूल्स किताबें फराहम कर रहे होते हैं, कभी स्टेशन किताबें फराहम कर रहे होते हैं, कभी किताबों की किल्लत हो जाती है, तो इसका नतीजा आखिरकार ये हल निकाला गया कि वालदैन असल किताबों के साथ यहाँ पर आएंगी ताकि उनकी किताबों की उनके बिल्स के साथ वेरिफिकेशन हो सके और जब हो जाती है तो उसके बाद उनको पेमेंट रिमबर्स कर दी जाती है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम स्टेटिस्टिक्स जो है वो अपडेट करते हैं और अब तक तकरीबन आज तक, यानी हमने काम शुरू किया था 15 मार्च से और जाहिर सी बात है शुरू के दिनों में तो बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आए थे, लेकिन तकरीबन 1 अप्रैल से काम जो अपने फुल थ्रॉटल पे आगाज़ हो चुका था और आज 12 अप्रैल है और मैं ये समझता हूँ कि 12 दिनों में तकरीबन 1 करोड़ रुपए का काम हम कर चुके हैं। आज भी जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो शो कर रहे हैं कि तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख या 1 करोड़ 20 लाख के लगभग हमने काम कर लिया और इस वजह से मैंने बताया कि हमारा बजट जो है वो तकरीबन 4 करोड़ रुपये का है, इस बुनियाद पर ये काम होगा। ये सारा का सारा काम सिर्फ आप हजरात के तआवुन से ही हो पाता है और हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला से भी और उन दोनों हजरात की भी, उनसे इस बात की अपील भी करते हैं कि वो अपने तआवुन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ
کیونکہ اسی بنیاد پر ان غریب والدین کی یہ خواب کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل کی طرف گامزن کر سکیں پورا ہو پا رہا ہے. اور اگین وہ جو شعر ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اس تخیل جنت پیدا کو نہ, تو تخیل کے ذریعے سے ہی جنت پیدا کی جا سکتی ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.